गोरखपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार नगर निगम का प्रशासन अभियान चल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को गोलघर चौराहे से विजय चौक तक नालों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने बनाए गए पक्के चबूतरों को तोड़ा गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने किया। इस दौरान अतिक्रमण दस्ते ने दर्जनों दुकानों के आगे बने नालों पर अतिक्रमण को मुक्त कराया। वहीं कई जगहों पर व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया और तीखी बहस भी हुई। वहीं नगर निगम प्रशासन ने नालों पर अतिक्रमण करने वालों पर हजारों रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस दौरान नगर निगम प्रशासन के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन, पीआरडी के जवान, अतिक्रमण आदि मौजूद रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, नगर गोरखपुर में अधिकांश क्षेत्रों में धीरे धीरे नालों पर अतिक्रमण कर लिया गया व्यापारियों द्वारा या स्थानीय निवासियों द्वारा, जिससे नाले की सफाई में बाधा पहुँचती है। यह देखा गया कि बारिश के मौसम में कहीं कहीं पानी लग जा जल जमा हो जा रहा है, पानी लग जा रहा है और जितनी तेज़ी से निकलना चाहिए उतनी तेज़ी से निकल नहीं रहा है और इसका प्रमुख कारण नालों का अतिक्रमण। नगर निगम ने इस समय एक अभियान चला रखा है और प्रतिदिन पिछले 4-5 दिनों से नालों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें स्थानीय नागरिकों का, व्यापारियों का सहयोग भी मिल रहा है। तो आज भी पहले की भांति नालों पर से अतिक्रमण हटाया गया और ये अभियान चला गोलघर चौराहे से लेकर विजय चौराहे तक। एक आध व्यापारी विरोध जैसी बात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी ने गलत ही सही नाले पे कुछ बना रखा है तो वो अपने निहित स्वार्थ के कारण उसका विरोध करता है, लेकिन समझाने में मान जा रहे हैं, उनका सहयोग भी मिल रहा है। तो ऐसा ये कहना कि किसी ने विरोध किया, मौखिक विरोध थोड़ी देर के लिए किया होगा, उनको समझाने में बात मान लेते हैं, तो ऐसा कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मैं